वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा एनिमल किंगडम को, आज हम लोग जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगी उसको स्टार्ट करेंगे। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से, मतलब कि आपका जो डिवीजन का जो मेथड है, जो क्लासिफिकेशन का मेथड है, वो किसके ऊपर बेसिस करता है। मैंने आप लोगों को बताया था, एरिस्टोटल के बारे में बताया था, उसके बाद कौन कौन से आप हम लोग जो है फाइलम पढ़ने वाले हैं, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, प्लेटी, एलमिंथस। आज हम लोग बेटा यहाँ से जो दो आपके जो फर्स्ट टू कंप्लीट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट टू फाइलम हम लोग एनिमल किंगडम के कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने जो पढ़ा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि क्या क्या थे, कि उसकी सेल कैसी है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, ठीक है ना, जर्मिनल लेयर कौन कौन सी है, ठीक है, ए सिलोमेट है या सिलोमेट है, ठीक है, बॉडी प्लान कैसा है, ठीक है, सेगमेंटेशन है या नहीं है, ठीक है, नॉन कोर्डेट है या नहीं है, ठीक है ना, ओपन सिस्टम है हार्ट का या क्लोज सिस्टम है या प्रोटोस्टोम है या ड्यूट्रोस्टोम है, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो बेसिस क्लासिफिकेशन का था उसके हिसाब से मैं आपको कुछ एक चीज़ें और क्लियर करा दूं कि हम लोग एनिमेलिया को इस तरीके से डिवाइड करते हैं। पहले जो आपके प्रोटोजोआ है, जो आपके मतलब फाइलम जो प्रोटोजोआ था, ठीक है ना, प्रोटिस्टा वाला, वो हम लोग करके भी आए हैं। और एक होता है बेटा यूमेटोजोआ, ठीक है जी, इसके अंदर बेटा सेल वगैरह बनती है। यूमेटोजोआ में मतलब सेल वगैरह बनती है और प्रोमेटोजोआ में आपकी सेल वगैरह नहीं बनती, जो कि आपका पोरिफेरा वगैरह के अंदर देखते हैं। जो यूमेटोजोआ होता है बेटा, इसको फर्दर तीन क्लासेस में डिवाइड किया, मीजोजोआ, पैराजोआ और एंटेरोजोआ। मतलब कि जिसमें जो सेल है वो आपकी सेल लेवल, ठीक है, और किसी में मतलब आपका टिश्यू लेवल या फिर आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है ना। तो सेल लेवल आप पोरिफेरा में देखते हो, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। अब एंटेरोजोआ के बाद किसके अंदर रेडियल सिमेट्री है, किसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है ना। रेडियल सिमेट्री के आगे जाके आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे कोनिडेरिया और स्टेनोफोरा, ये भी हम लोग आज कोनिडेरिया को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपका क्लासिफिकेशन का बेसिस बता रहा हूँ। उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री तो है किसी के पास, उसके पास जिसके पास बाइलेटरल सिमेट्री है उसके पास पहले माउथ आया या फिर पहले आपका एनएस आया, ठीक है ना। ये हम लोग लास्ट के लेक्चर में कर चुके हैं कि ड्यूट्रोस्टोम किसको कहते हैं और प्रोटोस्टोम किसको कहते हैं। प्रोटोस्टोम में भी किसके पास एक मतलब सिलोम अब्सेंट है, ठीक है ना, प्लेटी हेलमिंथस, किसके पास स्यूडोसिलोम है, निमेटो हेलमिंथस, और किसके पास सिलोमेट तो है लेकिन बीच में डिवीजन है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के पास। और एंटीरोसिलोमेट में आपका जिसके पास पूरी सिलोमेट है, सिलोम जो है कैविटी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ बेटा बढ़ेंगे, ठीक है ना। लोअर ऑर्गेनिज्म, ये लोअर ऑर्गेनिज्म, यहाँ से आप लोग हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ आप लोग बेटा बढ़ोगे, ठीक है ना। ये आपका पूरा हायर ऑर्गेनिज्म कोडेटा में आएगा। तो आज हम लोग बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे, पोरिफेरा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट फाइलम आता है एनिमेलिया के अंदर, ठीक है, एनिमेलिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद बेटा, उससे पहले मैं आपको एक बार पोरिफेरा के बारे में बात करते हैं। जो पोरिफेरा है बेटा, पोरिफेरा है, इनको हम लोग स्पंज भी बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। जैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, स्पंज को जैसे हाथ लगाते हैं फिर वो सिकुड़ जाता है, और जब आप उस पे से आप प्रेशर हटाते हो तो वो दोबारा से आपका क्या हो जाता है। आपने रसगुल्ला देखा होगा, रसगुल्ले को जब आप लोग स्पंज रसगुल्ले देखे होंगे कि एक बार आप प्रेशर लगाते हो तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, और जब रिलीज करते हो तो वो दोबारा से फैल जाता है। तो पोरिफेरा को बेटा हम लोग स्पंज भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो क्या करते हैं बेटा, प्रेशर लगाते हैं, वो मतलब बहुत लचीले होते हैं, ठीक है। और इनकी बॉडी पे बेटा क्या होते हैं, पोर होते हैं। इनकी बॉडी पे बेटा बहुत सारे क्या होते हैं, आपके पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी पे आपके बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर बेटा टिश्यू ऑर्गन ये सब नहीं होता। इनका जो सेल है वो सेलुलर लाइक है। हमने पढ़ा था ना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो मैं ये कहता हूँ इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहला पॉइंट आप लोग लिखते हुए चलना, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटा सेलुलर टाइप है, ठीक है ना। इनका जो बॉडी प्लान है बेटा, जो बॉडी प्लान है, हमने बॉडी प्लान देखे थे ना कि इनका ब्लाइंड सैक है या ट्यूब इन ट्यूब है या सेल एग्रीगेट है, तो इनका जो बॉडी प्लान है बेटा वो सेल एग्रीगेट टाइप का है,
ठीक ना, सेल एग्रीगेट टाइप है, मतलब कुछ एक सेल आपकी इकट्ठी हो गई और उसके बाद उन्हीं में से क्या होता है आपका, उन्हीं में से क्या होता है कि आपके मिलके फंक्शन करते हैं कि तू भाई ये काम कर ले, तू ये काम कर ले, ठीक ना। तो सेल एग्रीगेट टाइप का इनका क्या है बेटा, बॉडी बॉडी प्लान है, ठीक ना। इनके अंदर बेटा आपकी दो तरीके की आपकी लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक ना, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ बेटा, डिप्लोब्लास्टिक बोलता हूँ। इनकी जो बेटा सिमिट्री होती है, ये बेटा एसिमिट्रिकल होते हैं, एसिमिट्रिकल होते हैं, ठीक है, एसिमिट्रिकल इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, कोई सिमिट्री नहीं होती, मतलब इनको आप कोई से प्लेन से नहीं काट सकते, इक्वल इक्वल, ठीक है। उसके बाद बेटा इनके अंदर आप ये जो बेसिकली ये जो प्रेजेंट होते हैं, ये आपके मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एक ऐसे भी होते हैं बेटा जो आपके फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये तो बेटा इसकी बात होगी कैरेक्टरिस्टिक की, आई होप आप लोगों ने लिखी होगी। पहली बात ये सेलुलर होते हैं, दूसरी बात जो इनका बॉडी प्लान होता है वो सेल एग्रीगेट होता है। सेल एग्रीगेट का मतलब ये है कि कुछ एक सेल आपस में इकट्ठी हो गई और आपस में इकट्ठी होने के बाद आपकी क्या कर रही है, फंक्शन को कर रही है, ठीक है ना। तीसरी बात ये जो है बेटा ये आपके मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एक ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इनके पास बेटा दो ही तरीके की सेल प्रेजेंट होती है, दो ही तरीके की लेयर प्रेजेंट होती है जाइगोट में, एक आपकी एक्टोडर्म और अंदर वाली आपकी एंडोडर्म। उसके बाद बेटा बात आती है कि जो इसकी सिमिट्री होती है, ये आपके एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना, इसको आप किसी भी प्लेन से इक्वली नहीं काट सकते, ठीक है ना। सेलुलर लेवल का इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, और आपकी इरेगुलर आपकी क्या होती है, एसिमेट्रिकल इसकी क्या होती है, आपकी शेप होती है, ठीक है ना। ये बेटा इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी एनाटॉमी की बात करूँ तो अंदर से बेटा ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, इस तरीके का दिखता है, क्योंकि इसके अंदर बेटा बहुत सारे पोर होते हैं, इसके अंदर बेटा बहुत सारे पोर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसके इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोरीफेरा बोलते हैं, और इसको हम बेटा स्पॉन्ज भी बोल सकते हैं, स्पॉन्जेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्पॉन्ज जैसा होता है। अगर बेटा मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसकी सेल जो है बेटा, अगर मान लो मैं इस पोर्शन को, एक इस पोर्शन को इसकी, वैसे तो होता क्या है, ये अंदर से यहाँ पे बेटा इसके यहाँ पे पूरी लिक्विड भरा हुआ होता है, और ये साइड से एक कवरिंग से ढका हुआ होता है, ठीक है ना। और इस कवरिंग की मैं बात करता हूँ तो इस कवरिंग को थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपकी यहाँ पे क्या होती है बेटा, इसकी दो बॉडी वॉल होती है, ठीक है ना, एक आउटर वॉल होती है, ये पूरी आपकी आउटर है, ठीक है ना, ये पूरी आपकी क्या है बेटा, आउटर है। इस आउटर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, एक फ्लैट सेल प्रेजेंट होती है, जिनको मैं क्या बोलता हूँ, पिनोसाइट बोलता हूँ, ठीक है ना, पिनोसाइट्स बोलता हूँ, ठीक है, पिनोसाइट बोलता हूँ, या फिर पिनाकोडर्म भी बोलता हूँ, ठीक है ना। और एक होती है बेटा जिसमें आपकी ये जो पोरोसाइट सेल है, ठीक है ना, ये जो आप सेल देख रहे हो ना बेटा, ये एक्टोडर्म जो देख रहे हो आप, इसको मैं पूरी को क्या बोलता हूँ बेटा, पिनाकोडर्म भी बोलता हूँ। और इसके अंदर ये जो देख रहे हो ना आप बेटा, ये आप देख रहे हो जिसके साथ फ्लैजिला भी अटका हुआ है, ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर भी है इनके पास, ठीक है ना। ये क्या है बेटा आपकी, इसको मैं बोलता हूँ कैनोडर्म, ठीक है ना, क्या बोलता हूँ, कैनोडर्म, ठीक है ना, कैनोडर्म भी इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। कैनो इसके अंदर क्योंकि कौन सी सेल प्रेजेंट होती है बेटा, कैनोसाइट सेल प्रेजेंट होती है इस लेयर के अंदर, इस लेयर के अंदर कैनोसाइट सेल प्रेजेंट होती है, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ बेटा, कैनोसाइट्स भी बोलता हूँ। और जो ये बेटा कैनोडर्म होती है, कैनोसाइट्स और कैनोसाइट सेल से प्रेजेंट होती है, और इनके ऊपर क्या होता है बेटा, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात इसके अंदर बेटा, यहाँ पे इन दोनों लेयर के बीच में, इस लेयर के बीच में और आपकी आपकी क्यूनोसाइट्स के बीच में बेटा एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जो ये आप लिक्विड देख रहे हो ना, ये लिक्विड भरा हुआ होता है, और इस लिक्विड के अंदर बेटा, इस लिक्विड के अंदर कुछ एक तरीके की सेल प्रेजेंट होती है, जैसे ऊसाइट। ऊसाइट क्या होती है बेटा, आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि इस लिक्विड के अंदर आपकी जो जो आपकी ओवा और स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है ना, जिनको हम आर्कियोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो सेल्स आपकी प्रेजेंट होती है। दूसरा आपकी बेटा स्क्लेरोब्लास्ट प्रेजेंट होती है, जो स्क्लेरोसाइट है, जो आपकी स्केल्टन सिस्टम को बनाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बेटा तीन चीजें बताई, एक आउटर लेयर, आउटर लेयर में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, पोरोसाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, पोर बनाती है। और एक बेटा मैंने आपको बताई इनर सेल,
इनर सेल में क्या आपको बताया, इनर सेल में बताया मैंने आपको कोनोसाइट्स, जो कोनोसाइट्स होती है बेटा ये बेसिकली क्या करती है, कोनोसाइट्स क्या करती है, अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और ये क्या इनके बीच में बेटा एक लिक्विड भरा हुआ होता है, इस लिक्विड के अंदर कौन सी सेल्स होती है बेटा, ओसाइट्स होती है जो कि आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, और बेटा स्क्लेरोसाइट्स होती है जो कि आपकी स्केल्टन को बनाने में हेल्प करती है थोड़ा बहुत। जैसे मान लो हमारे अंदर तो स्केल्टन किसका बना हुआ होता है, बोन का बना हुआ होता है, इनके अंदर बेटा कैल्शियम जो है थोड़ा थोड़ा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बोन वगैरह का कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। उसके बाद बेटा अगर मैं मान लो इसकी बात करता हूँ, अंदर से बेटा अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है, यहाँ पे जो ये कैविटी देख रहे हो, ये अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है बेटा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्पॉन्जोसील बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बेटा, स्पॉन्जोसील बोलता हूँ। इसी के अंदर बेटा बेसिकली इसी की वजह से ये क्या होता है बेटा, स्पंज लाइक आपका होता है। इसकी बेटा अगर मान लो आपकी मैं बात करता हूँ वाटर सिस्टम की, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो यहाँ पे बेटा आपका एक कैविटी होती है, आपका एक होल होता है, आपका एक स्पोर होता है, जिसको मैं बोलता हूँ बेटा ओस्टिया। क्या बोलता हूँ, ओस्टिया। यहाँ से क्या होता है बेटा, आपकी वाटर की एंट्री होती है, एक पोर जहां से वाटर की एंट्री होती है बेटा, उसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, ओस्टिया बोलता हूँ, ठीक है ना, ओस्टिया बोलता हूँ, ठीक है। और जो वाटर है बेटा जो बाहर की तरफ जाता है, जिससे वाटर आपका बाहर की तरफ जाता है, उस पोर को मैं बोलता हूँ बेटा ओसिक्यूलम। क्या बोलता हूँ, ओसिक्यूलम, ठीक है ना। उसके बाद बेटा ये जो स्पॉन्जोसील है, इनके ऊपर आप देख रहे हो ये सेल्स जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, ये सेल्स, इनको मैंने क्या बोला था बेटा, कोनोसाइट्स बोला था। ये बेसिकली किस काम में आती है बेटा, ये बेसिकली किस काम में आती है, एक तो इनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये फ्लैजिला बेटा वाटर के फ्लो को मेंटेन करता है कि वाटर को बाहर करना है, वाटर को अंदर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि फ्लैजिला की मूवमेंट की वजह से बेटा वाटर की मूवमेंट होगी, इसलिए बेटा क्या प्रोड्यूस होता है आपका, वाटर करंट आपका प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से, किनोसाइट सेल की वजह से। दूसरी बेटा जो किनोसाइट्स होती है, ये बेटा आपकी किस चीज में भी हेल्प करती है, ये आपकी बेटा डाइजेशन में भी आपकी हेल्प करती है, ठीक है ना, किनोसाइट आपकी डाइजेशन में भी, इसके इसके अंदर जो फूड वैक्यूल होता है, जो इसका फूड जो इसके अंदर बेटा आपका वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये इसका फूड वैक्यूल है, यहाँ पे आपका फूड का डाइजेशन भी आपका होता है। तो कहने का मतलब ये है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, आपकी जो फूड है वो अंदर लेने के बाद सेल्स जो है अंदर ले जाती है, कोनोसाइट सेल्स, और यहाँ पे आपका कोनोसाइट सेल के अंदर यहाँ पे आपका जो फूड वैक्यूल होता है, इसके अंदर इसका क्या होता है बेटा, डाइजेशन होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको क्या चीज बताई कि आपको, एक तो मैंने आपको बताई लेयर, लेयर के बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अंदर एक कैविटी होती है, इस कैविटी के अंदर बेटा वाटर को इन और आउट करवाया जाता है, जिस पोर से आपको इन करवाया जाता है उस पोर को तो मैं बोलता हूँ ओस्टिया, और जिस पोर से बेटा वाटर को आउट कराया जाता है उस पोर को मैं बोलता हूँ बेटा क्या, ओसिक्यूलम, ठीक है ना, ओसिक्यूलम बोला जाता है जिस पोर से आप वाटर को आउट कराते हो। और बेटा ये जो स्पॉन्जोसील है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ होता है, और यहाँ पे लिक्विड भरा होने की वजह से यहाँ पे सेल्स होती है, जिनको मैंने क्या बोला था, ये जो सेल्स आप देख रहे हो इनको थोड़ा सा और इनलार्ज करके मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये जो सेल्स है बेटा कोनोसाइट्स, इनके फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला की वजह से क्या होता है बेटा, वाटर इन और आउट होता है, वाटर करंट जनरेट होता है, और इन सेल्स की बेटा अंदर यहाँ पे क्या होता है बेटा, फूड जो है वो आपका डाइजेशन होता है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, इनका जो ये देखो आप कोनोसाइट्स, अगर मैं मान लो कोनोसाइट सेल को और इंक्रीज करके दिखाऊं, तो ये आपका फ्लैजिला लाइक आपके स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, ये आपकी क्या हेल्प करते हैं, वाटर करंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और यहाँ पे बेटा इसमें क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है, जिसमें क्या होता है आपका वाटर का मतलब फूड का डाइजेशन होता है। अगर बेटा मैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा बडिंग और फर्मेंटेशन की वजह से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा आपकी किसकी वजह से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा आपकी गैमेट की वजह से होता है, ठीक है। इसके अंदर बेटा अगर मान लो आपका एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आपको ये इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, यू स्पॉन्ज बोलता हूँ। सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, यू स्पॉन्ज को हम बाथ स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बाथ स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं,
और आपने कई सारी स्पॉन्ज आपको देखने के लिए मिलेगी, अन स्पॉन्ज, अन टाइप की स्पॉन्ज देखने को मिलेंगी, ठीक है, और आपको रोप टाइप की देखने को मिलेंगी, जैसे रस्सी होती है, ठीक है। तो ये सब बेटा इसी के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा किसके ऊपर, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा किसके ऊपर, कोनिडेरिया के ऊपर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है, नेक्स्ट हमारी फाइलम आती है बेटा कोनिडेरिया। कोनिडेरिया जो आपका होता है बेटा, ये आपका कई बार कॉलोनी में प्रेजेंट होता है और कई बार सोलिटरी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब सिंगल सिंगल प्रेजेंट होता है, और कॉलोनी मतलब कई बार ग्रुप में प्रेजेंट होता है, और ये बेटा फ्री लिविंग भी रहता है और कई बार नीचे बैठा हुआ रहता है, ठीक है ना। मोस्टली जो है बेटा मैराइन वाटर में प्रेजेंट होता है, नमक के पानी में प्रेजेंट होता है, और कई बार बेटा आपका फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है बेटा हाइड्रा, ठीक है ना। बॉडी जो है बेटा रेडियल सिमेट्री की होती है, कि आप किसी भी प्लेन से काट लो आपकी इक्वली कटेगी। दूसरा बेटा इसकी जो इसकी इसके एक स्पेशल वो है कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है कि ये जो आपकी बॉडी होती है, इसके अंदर बेटा एक सेल्स होती है कोनिडियोसाइट सेल्स, ये आप सेल्स देख रहे हो कोनिडियोसाइट सेल्स, इनके अंदर बेटा थ्रेड होता है, इनके ऊपर बेटा थ्रेड होता है। ये जो थ्रेड है बेटा, ये जो थ्रेड है बेटा, ये जो थ्रेड है इसको मैं बोलता हूँ निमेटोसाइट। इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, निमेटोसाइट बोलता हूँ इस थ्रेड को। और इस थ्रेड की वजह से क्या होता है बेटा, इनके अंदर सेंसिटिविटी आती है, मतलब हाथ लगाने से या हलचल करते हैं, ठीक है ना। ये भी बेटा आपका डिप्लोब्लास्टिक होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, लेकिन इनके बाहर एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको मैं कोनिडियोसाइट्स बोलता हूँ, और कोनिडियोसाइट्स पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको मैं निमेटोसाइट्स बोलता हूँ, और जिसकी वजह से क्या आती है आपकी सेंसिटिविटी आती है, ठीक है ना। और दूसरा बात बेटा, सेंसिटिविटी तो आती आती है, अगर कोई आपका इसको प्रे देख ले, अगर ये मतलब ये अगर किसी खाने को देख लेता है, अपने खाने को देख लेता है, तो पॉइजन स्क्रीट करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी डेथ हो जाती है, और ये क्या कर लेता है बेटा, उसको इंगल्फ कर लेता है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा जो कोनिडियोसाइट्स होती है, ये आपकी मैंने आपको बताया कैप्चरिंग प्रे में भी हेल्प करती है, ठीक है ना, प्रे को आपको कैप्चर करने भी हेल्प करती है। दूसरा बेटा इसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, पीछे तो हमने क्या देखा था सेल लेवल का देखा था कि सेल जो है एग्रीगेट कर जाती है, यहाँ पे बेटा आपका टिश्यू बनना शुरू हो गया। दूसरा बेटा जो बॉडी प्लान है वो ब्लाइंड सैक है, ब्लाइंड सैक का मतलब ये होता है कि आपका आपका माउथ और एनस जो है बेटा वो एक ही जगह से ओपन होते हैं, मतलब खाता भी वहीं से है और बाहर भी वहीं से करता है, ठीक है ना। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि बॉडी प्लान कितनी तरीके का होता है, तो इनके अंदर बेटा सेल एग्रीगेट से अलग होके कौन सा बॉडी प्लान आया है आपका, ब्लाइंड सैक का बॉडी प्लान आपका इनके अंदर आया है, ठीक है ना। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है बेटा, ठीक है, इनकी जो बॉडी कैविटी होती है इसको मैं क्या बोलता हूँ आपका, सिलेंट्रोन बोलता हूँ, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया है, सिलेंट्रेटा भी नाम देता हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बेटा इनकी जो बॉडी टाइप होती है, जो बॉडी फॉर्म होती है, वो दो तरीके की होती है, एक पोलिप और एक मेडुसा। ये जो आप देख रहे हो जिसमें आपके ऊपर की तरफ है, कौन आपके टेंटिकल्स जो है ऊपर की तरफ है, उसको तो मैं बोलता हूँ बेटा पोलिप, और जिसमें आपके टेंटिकल्स बेटा नीचे की तरफ है उसको मैं बोलता हूँ बेटा मेडुसा, ठीक है ना। दो आपकी लेयर होती है, एक एक्टोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है, इनके बीच में बेटा लिक्विड भरा होता है जिसको मैं बोलता हूँ मेसोग्ली, ठीक है ना। अंदर बेटा आपकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसके अंदर क्या होता है बेटा, डाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं अगर मान लो इसके 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 भी सेक्शन को कट करके देखता हूँ, तो ये देखो आपकी कोनिडियोसाइट सेल प्रेजेंट है, इसलिए मैं इनको कोनिडेरिया भी बोलता हूँ। इस फाइलम को हमने कोनिडेरिया बोला है और सिलेंट्रेटा बोला है। कोनिडेरिया क्यों बोला है, क्योंकि इनकी आउटर लेयर पे क्या प्रेजेंट है बेटा, कोनिडियोसाइट प्रेजेंट है, इसलिए मैंने क्या बोला है बेटा, इनको कोनिडिया सेल्स बोला है। और बेटा इनके यहाँ पे और बेटा इनके यहाँ पे अंदर की तरफ जो कि वहां पे कोनोसाइट सेल्स थी पीछे पोरिफेरा में, यहाँ पे बेटा आपके गैस्ट्रोवेस्कुलर सेल्स में, यहाँ पे बेटा ये जो सेल्स है, ये जो आप सेल्स देख रहे हो, ये बेटा आपकी सिलेंट्रोन बोली जाती है, सिलेंट्रोन, जो कि किस में हेल्प करती है बेटा, डाइजेशन में हेल्प करती है, इसलिए हम बेटा इस फाइलम को सिलेंट्रेटा भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो दो टाइप की सेल्स मैंने आपको स्पेशल टाइप की सेल्स बताई, बाहर कोनिडियोसाइट सेल बताई जो कि आपकी सेंसिटिव में हेल्प कर रही थी, जिसके ऊपर टेंटिकल्स थे, तो इसलिए मैंने इस फाइलम को कोनिडेरिया बोला। और इसके अंदर की तरफ यहाँ पे डाइजेशन के लिए सिलेंट्रोन सेल्स होती है,
जो कि आपकी किस में हेल्प करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ बेटा, सिलेंट्रेटा भी बोलता हूँ। दूसरा बेटा, आपकी जो आपका मेडूसा होता है, ये आपका मोस्टली कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है। ये आप ये जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं कुछ कुछ, ये आप लोगों ने देखे भी होंगे, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो जेली फिश, ये भी बेटा किसका एग्जाम्पल है, सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। ये जो आप देख रहे हो ये आपका सी एनीमोन है, और ये जो आप देख रहे हो बेटा ये आपका कोरल रीफ है, ठीक है ना। इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा बर्डिंग से होता है, ठीक है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका गैमिट से होता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो जो सी एनीमोन है, ये जो आपका सी एनीमोन है, इसमें आप ये कह सकते हो कि इसकी पोलिप टाइप है। और जो आप ये देख रहे हो, आप ये जेलीफिश, जेलीफिश में नीचे की तरफ ये लटक रहे हैं ना बेटा, तो ये कैसा है बेटा, आपकी मोडूसा टाइप की, आपकी मेडूसा टाइप की, आपकी क्या है बेटा, बॉडी टाइप है, ठीक है ना। एक चीज और बता दूं बेटा, ये जो मैंने आपको ये जो सबसे ऊपर दिखाया कोरल रीफ, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर द ग्रेट कोरल रीफ आपकी पाई जाती है, बहुत पुरानी है, 12,000 साल, मतलब 12,000 ईयर की पुरानी जो आपको कोरल रीफ आपको देखने को मिल जाती है। ये क्या करती है बेटा, अपने सराउंडिंग में इस तरीके से जुड़ती हुई चली जाती है और ऊपर की तरफ बेटा ग्रो करती रहती है, और समुन्द्र में बेटा बहुत ऊंचाई तक आपकी ग्रो कर जाती है। नीचे आपकी जो जिसकी डेथ हो जाती है वो रह जाती है, और ऊपर इनके ऊपर बेटा ग्रो करती 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 एग्रीगेट होती होती क्या बना लेती है बेटा, कोरल रीफ आपकी बना लेती है, ठीक है ना। और इस तरीके से बेटा इनके अंदर नर्व नेट पाया जाता है, किसके अंदर बेटा, हाइड्रा के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। तो यहां तक का बेटा आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है, यहां तक का बेटा हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है, जिसमें हमने आपको दो फाइलम कवर किए, एक आपका पोरीफेरा और दूसरा आपका सिलेंट्रेटा या कोनिडेरिया, ठीक है। आई होप बेटा आप लोगों को जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके बेटा बता सकते हो, ठीक है, कमेंट करके बेटा आप लोग बता सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।